परेशानी भी इस गुलाब को लेके तो हेलो हाय, मैं अभी जा रही हूँ जिम में, तो मैं दिखाऊंगी आपको जिम जाके, देखते हैं ज्वाइन करते ही नहीं करे, लेकिन जिम तो मैं जा ही रही हूँ आज। Now it is time. अब चलते हैं जिम के अंदर, एंट्री करेंगे। और यहाँ दोस्त, ये दूसरी बार यहाँ पे आई, मैंने 19 में भी की थी जिम, जिससे मैंने अपना वेट काफ़ी लूज़ किया था। और ये देखिए, यहाँ पहले दूसरी मशीनें रखी थी, आज इन्होंने यहाँ पे थोड़ा खुला सा कर दिया है। और इसके बाद मैं ये करूँगी, ये सेकंड फ्लोर में है, वहाँ जाके मैंने की है थोड़ी साइकिलिंग। और ये मेरी बेस्ट है एक्सरसाइज, में मेरे को सबसे अच्छी लगती है। और वैसे भी मेरे को साइकिल चलाना अच्छा लगता है, जिसमें से मैं एक बार गिर भी चुकी हूँ, जिसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो इसके बाद ये देखिए, और यहाँ की जिम है देखियो, लेकिन थोड़ा सा अब वेट फिर हो गया है, बैक मेरे को ऐसे ही लग रही है, लेकिन ये अच्छा लग रहा मुझे ये करना। तो चलो जी, ये हो गया है, कैमरामैन हमारे आगे पीछे घूम रहा है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। और बातें करते करते मैं उसको कुछ समझा रही हूँ। तो ये देखिए, और काफ़ी अच्छी है, मतलब बड़ी जिम है। और तो इस साइकिलिंग की बात बताऊँ दोस्त, मैंने नहीं साइकिलिंग पे तो अपना इतना वेट लूज़ किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये बेहद अच्छी लगती है और ये करना। और अभी तो ठंड के टाइम में एक्सरसाइज करना बेहद अच्छा लगता है, गर्मी में नहीं लगता, पसीने छूट जाते हैं, तो इसलिए। और उसके बाद ये करेंगे कार्डियो, ये देखिए, धीरे धीरे करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो इसे धीरे धीरे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि कोई ट्रेनर मेरे पास है नहीं, और इसलिए तो इसको धीरे धीरे मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अच्छा लगता है, मतलब अपने आप को फिट रखना, क्योंकि वक्त के साथ इंसान को अपने आप को चेंज भी करते रहना चाहिए, बेफिक्र होकर जीना चाहिए, मस्ती से जीना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें तो ये देखिए, और यहाँ पे और भी सब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। और ये देखो दोस्तों, कोशिश, छोटा इंसान जब रह जाता है ना कद, तो ना कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, आगे उससे कैसे बढ़ा जाए, कैसे लटके। मैं सोची लटक जाऊँ, लेकिन मेरे हाथ में दर्द हुआ, लेकिन फिर कोशिश ट्राई मारी, लटकी। और गलती मेरी ये थी कि मैंने एक पीढ़े के ऊपर दूसरा पीढ़ा रख लिया, जिससे वह फिसलने पर फिसल जाती है। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मैं कितने गिरने को हो गई थी एकदम से, लेकिन बच गई। ये मैंने कट नहीं किया, क्योंकि यार जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो हैं ही। ये देखो, कोशिश करने कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। ओह, ये देखो, अब मैं ये गिर जाती, अभी देखो। और अब ये है एक्सरसाइज, ओह मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं पूछ के थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, तो उन्होंने बोला, लेकिन अभी भी मैं बहुत गलत कर रही हूँ जिम में आई। और इसके बाद अब जिम ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अभी ट्राई मार कुछ बताना चाहती हूँ, म्यूज़िक चल रहा था, तो लेकिन ये है कि ये चीज़ें यहाँ पर मेरा देखने लगा कि यार कोई ट्रेनर ढंग से आए नहीं, तो क्या जिम करें। तो उसके बाद हम नीचे आए, नीचे वाले फ्लोर, ये हमारे ट्रेनर हैं, जाके हमने देखा, तो मैं आई डी यहीं से ले रही थी। और यहाँ पर काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन्होंने अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, जो कि अच्छी लग रही थी। और उसके बाद हम यहाँ छोड़ छाड़ के अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमने टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और सारी मशीनें यहाँ मशीन रखी है, तो ठीक है। आ गई हूँ, ज्वाइन अभी किया नहीं है। ये एक यहाँ का पहरेदार, इसका नाम भूरा है, भूरा नाम है इसका। तो कोशिश, ये भोगता है, ये भोगता था, तो सब आगे आगे भागते हैं, ये पीछे पीछे भागता है। इसको बोलते हैं भूरा, इसको बोलते हैं भूरा, रुक जा, तो ये रुक जाता है। अपने अपने रखना, ठीक है, 100 रुपये। जिम करके मैं आ गई हूँ दोस्त, और अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा आराम करूंगी। आराम करने के बाद ये देखो, फेस पे इतना तेल आ गया है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ना, देखो मुंह पे, मतलब क्या कहते हैं ना, इतनी मेहनत करने से सारा तेल निकल जाता है, वो वाली हरकत हो गई मेरे साथ, ठीक है। तो फेस पे बहुत ज़्यादा तेल है, अब आके लेट के थोड़ा सा आराम करने के बाद सारा घर का काम। और मैंने बोला कि मैंने ज्वाइन नहीं की है, मैं फर्स्ट डे गई हूँ, मतलब पहले दिन गई हूँ,
जाके वहाँ पे देखा है मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, और मन करेगा तो करूँगी, नहीं तो योगा तो मैं करती हूँ, और योगा मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है जिम से। और मतलब मैंने अपने योगा करने से ही अपना थोड़ा सा सुधार किया अपनी बॉडी में, और वो मुझे अच्छा भी लगा। ठीक है, तो योगा करो अच्छे से तो अच्छी सेहत बनेगी और अंदर से एकदम ताकत आ जाएगी आप लोगों को। जिम भी करो, जिसको पसंद है जिम कर लो, मैं ये नहीं कहूँगी जिम नहीं करनी चाहिए दोस्त, सबकी अपनी अपनी समझ है। और लेकिन मैंने आज जाके ट्राई किया और मैं गिरते गिरते भी बची, आप लोगों को मैंने दिखाया, मैंने कट नहीं किया, मैंने गिरते गिरते बची हूँ, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और क्योंकि एक बंदा साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप गिर गए तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। और सो समझ के एक्सरसाइज वहाँ भी करनी चाहिए, और किसी पर्सनल ट्रेनर को रखो जो कि साथ साथ घूमे आपके, नहीं तो आपको एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी आपसे अकेले जिम में। तो चलो फिर मौका मिलेगा तो फिर जिम जाएंगे, शुरू करेंगे, तो चलते हैं।